हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में, आज के नए वीडियो में। भाई रोज़ की तरह ना आज फिर से मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये ढालपुर ग्राउंड है कुल्लू शहर का, और मतलब मैं हर रोज़ यहीं से जाता हूँ और थोड़ा जल्दी जाता हूँ और 5 मिनट यहाँ पे रुकता हूँ। 5 मिनट रुकने के बाद फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। मतलब बढ़िया लगता है, सुबह सुबह धूप बढ़िया होती है और मतलब मौसम बढ़िया ना यहाँ का, तो धूप थोड़ी अच्छी लगती है यहाँ की। और लोग तो यहाँ पे सुबह सुबह बैठ के भाई धूप सेक रहे होते हैं सारे। अभी ग्राउंड की हाल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ मेला हुआ है तो अभी साफ नहीं किया हुआ है सही से। सबसे अच्छे ना मुझे ये वाले देवदार के पेड़ लगते हैं यहाँ पे। फोकस, ये जो देवदार के पेड़ है ना, ये भाई बहुत बढ़िया लगते हैं। और पीछे देखो वहाँ पे बादल भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, और चारों तरफ ना इसके ऐसे देवदार के पेड़ हैं। ये भी देवदार का पेड़ है, उस तरफ से भी बादल आ रहे हैं। ये इस तरफ को गाँव कुल्लू शहर के, और हम जाएंगे अभी इस वाली तरफ को आगे हो। वहाँ जैसे अपना तिरंगा लहरा रहा है, इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है बट ये जूम कर रहा हूँ मैं तो। ये देखो यहाँ पे तिरंगा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी है। और ये बादल आ रहे हैं, बाकी भाई मौसम बढ़िया है यहाँ का। बैठ जाइए, अपनी कुर्सियाँ पूरे सारी अपनी। ज़्यादा जा रहा है अभी, शुरू हुआ बारिश से, बारिश बहुत बड़ा संदेश इस नाटक में पूरे समाज को। ये तालियां आपकी बजती रहे बच्चों, ये बहुत बड़ा सम्मान है। और दूसरा ट्रिनिटी स्कूल बंजार, ट्रिनिटी स्कूल बंजार, और इसके बाद ढालपुर का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बॉयज, वो भी तैयार रहे और पास आ जाए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद रहे आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, शिमला से सांसद, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी, विधायक श्री किशोरीलाल जी, सुरेंद्र शौरी जी, हमारे बीच में राम सिंह जी, कुशाल ठाकुर जी भी। संदेश दिया है और वो संदेश बहुत बेहतरीन संदेश दिया है, सटीक संदेश दिया है, महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। जिन बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया उनको भी बहुत बहुत बधाई, जिनके टीचर्स भी साथ उनके उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि यही जनरेशन है आने वाले समय में जो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको आगे बढ़ने का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, योगदान रहता है, उसको हम सदैव स्मरण करें। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका संदेश हम सबके लिए प्रेरणा है। तो ये है अटल सदन ना, मतलब कुल्लू में। यहाँ पे भी सीएम साहब आए थे, ये स्टेज यहाँ पे मतलब प्रोग्राम था यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब पूरे भरा हुआ था फुल भाई यहाँ पे। अभी सीएम तो चले गए और अभी हम यहीं पे हैं और बस थोड़ी देर में हम भी जाएंगे। और ये माहौल है यहाँ का पीछे का, तो हमारा यहाँ थोड़ा काम बचता है वो हम करेंगे, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। बल्कि अभी आ गए हम अपने रूम पे, और ये मैं एक पपीता लेके आया था, इसको अभी काटेंगे, थोड़ा सा खाएंगे। वैसे तो बाहर मतलब वैसे अंधेरा ही हो रहा है,
और मतलब खाना वगैरह बनाने का टाइम हो गया है डिनर का, बट ये खा लेते हैं पहले, फिर बर्तन भी साफ़ करने को पड़े हुए हैं। अभी पपीता खा लिया हमने अभी काट के, ये थोड़ा सा बचा है, ये खाएंगे सुबह के टाइम कल मतलब। और आज हमें बनाएंगे फूल गोभी, पता नहीं कितने सारे कीड़े गुज्जे होंगे इसके अंदर घुसे हुए, सब फ्राई कर देंगे हम कुकर के अंदर। और यहाँ पे हमने बर्तन थे वो साफ़ कर लिए, मतलब कि फ्राई करने का मजाक कर रहा हूँ, अब कई बार हो जाते हैं अंदर कीड़े ना इनके, तो फिर देखना पड़ेगा इसके अंदर। और अभी बनाएंगे हम गोभी की, ये फूल गोभी की सब्ज़ी और चपाती बनाएंगे। यहाँ पे सब्ज़ी काट ली मैंने यहाँ पे, और ये प्याज काट लिया, ये टमाटर डालेंगे एक सब्ज़ी के अंदर। कुकर हमने रख लिया यहाँ पे, बाकी भाई यहाँ पे कुछ एक मसाले पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं ऐसे ही, कुछ एक सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है, अभी बना लेते हैं सब्ज़ी और रोटी फटाफट से। अभी ना ये सब्जी भाई तड़क ली हमने, मतलब तड़का लगा दिया सब्जी को, पकी गई, बस थोड़ी सी कमी है बाकी अब आटा गूंदना है। यहाँ पे छानने के लिए हमारे पास कोई छाननी नहीं है, ऐसे ही काम चला हुआ है आजकल। सब्जी भी बना ली हमने, चपाती भी बना ली हमने, और दूध भी उबाल लिया थोड़ा सा, एक पैकेट लेके आया था दूध का मैं, थोड़ा सा ही अभी उबालने को है बाकी सुबह के लिए। बाकी गैस मैंने वो यार, अभी भाई डिनर करते हैं, अकेले बंदे की ज़िंदगी बढ़िया रहती है वैसे है तो। अकेले हैं तो क्या गम है, आज हम कुकर में ही खाएंगे खाना। बाबा जी यहाँ बैठेंगे, और क्या चाहिए बाबा जी हमें, ये एक प्लेट चाहिए हमें बाबा जी प्लेट। यहाँ पे ये लाइट करो बंद किचन की, और इस वाले रूम पे ना यार एक ही सिंपल सा बल्ब है, और यहाँ पे मतलब एक ट्यूब लग सकती है, बट अगर ज़रूरत हुई तो मतलब लगानी पड़ेगी। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस वाले के रूम पे ना थोड़ी मतलब लाइट कम है, कुछ ही कमियाँ हैं इस रूम में, जैसे कि कपड़े ऐसे ही मैंने रखे हुए हैं विंडो पे लटकाने के लिए, कुछ भी नहीं ऐसे, यहाँ दरवाजे के पीछे एक हैंगर लगा हुआ होता, या यहाँ जैसे लगा हुआ होता, या उस अलमीरा के पीछे लगा हुआ होता तो ठीक रहना था। तो अभी खा लेते हैं, बाकी देखते हैं बाद में। फिर सब्जी में ना मैंने हल्दी नहीं डाली हुई है, और आधी सब्जी तो मैंने ऐसे ही खा ली, मतलब कच्ची और अधपक्की, और कुकर से निकाल निकाल के।